हेलो दोस्तों, मैं शशांक चौरसिया सुपर टेक्निकल एजुकेशन में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी से पिछली वीडियो में कहा था कि मैं अगली बार आरआरबी एनटीपीसी के सिलेक्शन प्रोसेस एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में वीडियो लेकर आऊंगा। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सिलेक्शन प्रोसेसर एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या रहने वाला है। तो दोस्तों, इसमें जो सबसे पहले होने वाला है, सबसे पहली स्टेज होगी फर्स्ट स्टेज ऑनलाइन एग्जामिनेशन यानी CBT 1। इसके बाद होगा सेकेंड स्टेज एग्जामिनेशन यानी CBT 2, जिसको मेन एग्जाम भी बोल सकते हैं। दोस्तों, इसमें फर्स्ट स्टेज जो होगी सभी पोस्ट के लिए कॉमन रहने वाली है, यानी सभी लोगों को CBT 1 तो देना ही है। उसके बाद बात करते हैं CBT 2 की। तो CBT 2 किन किन पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है वो आपको आरआरबी के नोटिफिकेशन में मिल जाएगा कि किन किन पोस्ट के लिए CBT 2 भी होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज है टाइपिंग टेस्ट या स्किल टेस्ट की। तो दोस्तों, टाइपिंग टेस्ट या स्किल टेस्ट सभी के लिए नहीं है, जिन जिन पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट या स्किल टेस्ट देना है उसकी आपको नोटिफिकेशन आरआरबी में के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। और दोस्तों, टाइपिंग टेस्ट जो होगा वो मैं आपको बता देता हूँ, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट एंड जूनियर स्टोन कीपर या टाइम कीपर के लिए जो होगा वो टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, और इसकी डिटेल आपको वेबसाइट में मिल जाएगी आरआरबी के। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज है एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके बाद होने वाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद होगा मेडिकल फिटनेस टेस्ट, उसके बाद फाइनल एंड लास्ट स्टेज होगी फाइनल मेरिट लिस्ट। इन सभी स्टेजों को पार करने के बाद आपके स्कोर CBT 1, CBT 2 एंड अदर स्टेज के परफॉर्मेंस के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। और दोस्तों, एक बात और बता दूं आपको, CBT 1 एंड CBT 2 के अलावा जितने भी स्टेज होगी वो सभी क्वालिफाइंग नेचर की रहने वाली है। आइए अब बात करते हैं प्रीलिम्स एग्जाम यानी CBT 1 के बारे में। तो आरआरबी एनटीपीसी प्रीलिम्स एग्जाम विल कंप्राइज ऑफ 4 सेक्शन, यानी CBT 1 के जो होंगे 4 सेक्शन होंगे, रीजनिंग एबिलिटी एंड जनरल इंटेलिजेंस, अर्थमेटिक एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस। इन चारों सेक्शनों में से टोटल क्वेश्चन जो रहने वाले हैं वो 100 होंगे, जिसमें हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। और इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए जो टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा वो होगा 90 मिनट का। और बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग जो रहने वाली है 0.25 ऑफ एवरी रॉन्ग क्वेश्चन यानी 1/4 जो होगी वो नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। अब देखते हैं किस सेक्शन से कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अर्थमेटिक एबिलिटी से जो होगा वो 20 मार्क्स का होगा, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस जो होगा वो 25 मार्क्स का होगा, जनरल अवेयरनेस 30 मार्क्स का रहेगा, और जनरल साइंस जो रहने वाला है वो रहेगा आपका 25 मार्क का। इस तरह से CBT 1 टोटल 100 नंबर का रहेगा, जिसको सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट दिया जाएगा। अब बात करते हैं मेन एग्जाम की यानी CBT 2 की। तो आरआरबी एनटीपीसी मेन एग्जाम विल कंप्राइज ऑफ 4 सेक्शन, रीजनिंग एबिलिटी एंड जनरल इंटेलिजेंस, अर्थमेटिक एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस। तो दोस्तों, CBT 2 भी जो होगा इसमें भी 4 सेक्शन वही रहने वाले हैं जो CBT 1 के होंगे, बट इसमें डिफरेंस क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, CBT 2 जो होने वाला है उसमें 120 क्वेश्चन रहेंगे, और इसके लिए आपको टाइम ड्यूरेशन जो दिया जाएगा वो रहेगा 90 मिनट का, यानी CBT 1 और CBT 2 के नंबर ऑफ सेक्शन सेम रहने वाले हैं, बट CBT 1 आपका 100 क्वेश्चन रहेंगे जिसे सॉल्व करने के लिए 90 मिनट दिए जाएंगे, बट CBT 2 में 120 क्वेश्चन रहने वाले हैं जिन्हें सॉल्व करने के लिए भी टाइम ड्यूरेशन 90 मिनट ही रहेगा। और बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो इसमें भी जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो 0.25 यानी 1/4 की रहने वाली है।
आइए अब बात करते हैं सीबीटी 2 में किस सेक्शन से कितने आने वाले हैं। तो अर्थमेटिक एबिलिटी जो होने वाली है वो 30 मार्क्स की रहेगी, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस 30 मार्क्स का रहेगा, जनरल अवेयरनेस ये भी 30 मार्क्स का रहेगा एंड जनरल साइंस ये भी 30 मार्क्स का रहेगा। यानी सीबीटी 2 में ये चारों सेक्शन इक्वल मार्क्स के रहने वाले हैं, इसमें से हर एक पार्ट सेक्शन 30 मार्क्स का रहेगा। इस तरह टोटल जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो 120 क्वेश्चन रहने वाले हैं, बट आपको टाइम ड्यूरेशन 90 मिनट का ही दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए एंड बेल आइकॉन बटन पर क्लिक जरूर कर ले, ताकि मैं जो भी वीडियो बना के डालता रहूँ उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।